शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, शुभ उबर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सावन माह के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचती चली जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास सभी महीनों की तुलना में सबसे पवित्र महीनों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सृष्टि के संचालन कर्ता भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान भोले ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के महीने के देवता भगवान शिव बन जाते हैं। ज्योतिषों के अनुसार इस साल सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू होकर 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर समाप्त होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई 2022 गुरुवार से हो रही है। 18 जुलाई 2022 को सावन का पहला सोमवार रहेगा। 12 अगस्त 2022 को सावन मास समाप्त हो जाएगा और भाद्रपद माह की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन माह प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया था, पार्वती जी ने युवा अवस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। शिवलिंगम को नारियल का पानी ना चढ़ाएं, इसके बजाय प्रसाद या प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाने चाहिए और शिवलिंग पर चंपा और केवड़े के फूल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव द्वारा शापित बताए जाते हैं। तुलसी पत्र को कभी भी शिवलिंगम पर नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि बेल के पत्ते या बिल्ला पत्र महादेव के पसंदीदा हैं, इसलिए इसे हमेशा चढ़ाएं। क्या होता है श्रावण का मतलब? श्रवण का शाब्दिक अर्थ सुनना होता है। कहा जाता है इस पवित्र महीने के दौरान सभी भक्तों को धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन उत्तम शब्द और उपदेश सुनना चाहिए। इसी महीने के दौरान ऋषि मार्कंडेय द्वारा महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध किया गया था। नमः शिवाय। धन्यवाद। सावन के महीने और सावन सोमवार की आप सबको शुभ उबर की तरफ से बधाइयाँ। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।